नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। अब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे पहले के वीडियोस में वॉल्यूम का कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं फिर से ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ लाइव जाकर। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, हम सबको पता चला है कि एक शो आता है जिस शो का नाम है बिग बॉस। उस शो में मैंने भी हिस्सा लिया है, मैंने भी वो शो से पैसे कमाए हैं। मगर ऑब्वियसली जब मैंने वो शो से पैसे कमाए, तब मैं एक कैंपिज्म, बुलीनेस और नेपोटिज्म की लड़ाई से जुड़ी हुई नहीं थी, ना ही मैं उन लोगों के साथ बैठती थी फिरती थी जो CA के नाम पर भारतीय मुसलमानों को भारत के खिलाफ करते थे। जी हाँ, CA के नाम पर स्वरा जैसे लोगों ने भारतीय मुसलमानों को भारत के खिलाफ किया, और वो ही स्वरा सलमान खान के घर में गणपति सेलिब्रेशंस पर नाचती है। तो वही सलमान खान का एक शो है, रियलिटी शो है बिग बॉस, और उस बिग बॉस की एक कंटेस्टेंट है सना खान। उसने थोड़ा बहुत शो के बाद काम करने का प्रयास किया बॉलीवुड के अंदर, मगर उसको इतना फेम नहीं मिला। मगर न्यूज आई है कि उसने अपना शोबिज का करियर गिव अप कर दिया है। तो मैं ये सब सुनकर सिर्फ ये टिप्पणी देना चाहती हूँ कि अच्छी बात है, उसने अपनी लाइफ में वही किया जो उसे ठीक लगा, एंड वो समझती है कि वो उसके आने वाले जीवन के लिए एक सही कदम होगा। बट क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि बिग बॉस शो ऑन एयर जाता है, बिग बॉस शो जो ऑब्वियसली सलमान खान का शो है, सलमान खान उससे बहुत पैसे बनाता है, आई थिंक 6-7 साल से उसको होस्ट करता हुआ आ रहा है। कलर्स ऑब्वियसली ये शो से पैसे बनाता है, एंडमॉल ये शो से पैसे बनाता है। तो जैसे ही ये शो ऑन एयर जाता है, सना खान अनाउंस करती है कि भैया वो शोबिज को त्याग दे रही है। वो सना खान जो ऑब्वियसली ग्लैमरस अभिनेत्री थी, क्योंकि अभी वो कह रही है कि वो बॉलीवुड से नहीं जुड़ी हुई है, तो मुझे ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी लग सकता है। मगर अगर ये एक पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसको एक्चुअली बॉलीवुड से अब प्यार नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, सारे जो मीडिया न्यूज चैनल वाले हैं जो कह रहे हैं कि सना खान हैज गिवन अप हर करियर, देखिए आप गिवन अप शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब कतरीना कैफ ने अपना करियर गिव अप किया होता, क्योंकि कतरीना कैफ ए ग्रेड अभिनेत्री तो बन गई कर्टसी सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान अभिनेत्रियों को स्टार बनाते हैं, चाहे वो कतरीना कैफ हो, चाहे वो डेजी शाह हो, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, चाहे वो जैकलिन फर्नांडिस हो, ये सारी लड़कियां सलमान खान की बहुत 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 चाटती है, जिसकी वजह से उनको काम मिला। दो दे आर, इवन दो आई डोंट थिंक दे आर एज टैलेंटेड एज अदर एक्ट्रेसेस जो इतनी फेमस नहीं है। तो कतरीना कैफ ने अगर अपना करियर गिव अप किया होता, बिकॉज नाउ शी इज एन ए ग्रेड बॉलीवुड एक्ट्रेस जो ना नाच सकती है ढंग से पहले, बट अब उसने मेहनत करके अपना डांस अच्छा कर लिया है, बट एक्टिंग तो उसकी अभी तक भी ठीक ठाक नहीं है, शी रियली कांट एक्ट दैट वेल। बट कतरीना कैफ ने अगर अपना करियर गिव अप किया होता, देन आई वुड हैव रियली अंडरस्टूड कि इसको गिव अप कहते हैं, क्योंकि उसने तो इतनी मेहनत करी है अपना करियर बनाने के लिए, उसने तो इतना यू नो गेम प्लान से खेला है, और ऑब्वियसली सिंपैथी भी ली है, क्योंकि एक समय पे उसका नाम सलमान खान से जुड़ा हुआ था और सलमान खान ने उसको बहुत अच्छी तरह से प्रमोट किया है। उसको बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने ब्रेक इसलिए दिया क्योंकि वो सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड थी। दूसरी ओर ऑब्वियसली हर क्लोजनेस एज फ्रेंडशिप वाज देयर विद अक्षय कुमार, शी हैज वर्कड विद द अदर खान्स आल्सो, शाहरुख खान, आमिर खान। जी हाँ, द वेरी पर्टिक्युलर परफेक्शनिस्ट आमिर खान हैज आल्सो वर्कड विद कतरीना कैफ इन थग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो आप समझ सकते हैं कतरीना कैफ ने कितनी मेहनत करी होगी। वही कतरीना कैफ ने अगर अपना करियर गिव अप किया होता, तो मीडिया वाले आपका जो हेडलाइन है दैट वुड हैव मेड सम सेंस, बट राइट नाउ यू आर ब्रेकिंग न्यूज सेइंग दैट सना खान ऑफ बिग बॉस हैज गिवन अप हर करियर। तो आप इनडायरेक्टली बिग बॉस की पब्लिसिटी कर रहे हैं। सना खान की टाइमिंग भी बहुत सही है, देखिए वो कोशिश कर रही होगी अच्छा काम पाने के लिए, मगर उसको इतना अच्छा काम नहीं मिला होगा, और मे बी शी मस्ट हैव एक्चुअली गॉन द स्पिरिचुअल वे, आई रियली डोंट नो। क्योंकि बिग बॉस की एक दूसरी कंटेस्टेंट थी सोफिया हायत, उसने भी अनाउंस किया था कि वो स्पिरिचुअल पाथ अपना रही है, बट देन शी गॉट मैरिड, देन शी डिड ऑल you know glamorous photo shoots also after applying the spiritual path. So I'm very confused with all these Big Boss contestants, क्योंकि देखिए मैं शो से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी हिस्सा रही हूँ, तो मुझे पता है कि शो के अंदर
किस तरह से पब्लिसिटी स्ट्रेटजी प्लान की जाती है. सो टाइम विल ओनली से वेदर दिस इज अ पब्लिसिटी स्ट्रेटजी स्टंट और इट इज अ रियलिटी. एंड इफ इट इज अ रियलिटी देन मीडिया वालों आपको समझना चाहिए कि गिव अप आदमी तब करता है तब ऊंचाई पे पहुंचता है. सना खान अपेरेंटली डिड नॉट रीच दैट हाइट्स दैट उसको गिव अप करना पड़े. एंड कोरोना वायरस लॉकडाउन में सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, सभी लोग जॉबलेस हैं. सो यू रियली कांट से दैट भैया किसी ने करियर गिव अप किया. इट मस्ट बी मे बी अ जेन्युइन यू नो स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग और इट कुड बी अ पब्लिसिटी स्टंट. मगर आपने ऑब्वियसली सना खान के गिव अप को कंपेयर किया है टू ज़ायरा खान्स ज़ायरा वसीम्स गिव अप. तो ज़ायरा वसीम तो ऑब्वियसली टैलेंटेड अभिनेत्री थी, उम्र में भी छोटी थी और उसका करियर लंबा हो सकता था बिकॉज उसको आमिर खान ने ब्रेक दिया था एंड उसका काम अप्रिशिएट किया गया था एंड शी वॉज लेबल्ड एज वन ऑफ द नेचुरल एक्ट्रेसेस. तो जब उसने गिव अप किया बिकॉज ऑफ spiritual reasons, तो लगा कि हाँ उसने give up किया है because she could have actually ruled Bollywood for a longer innings. मगर सना खान कभी Bollywood को rule नहीं कर रही थी. हाँ उसने अच्छी फिल्में थोड़ी बहुत करी है, Big Boss के बाद उसको पहचान भी मिली है, but she is not somebody who can be called as an A-grade actress. तो उसने सलमान खान के साथ you know bonding करने का भी प्रयास किया and she thought that she would get breaks in सलमान खान's film. I think उसको एक दो फिल्म में मिला भी छोटा मोटा रोल, but I think it was Daisy Shah who took the cake. Yes, Daisy Shah is somebody जिसको सलमान खान ने actually काफी breaks दिए. Daisy Shah मुझे गणेश आचार्य की जब असिस्टेंट थी तब डांस सिखाती थी. मैंने एक अक्षय कुमार की फिल्म में आइटम सॉन्ग किया था तब वो मुझे डांस सिखाती थी. सो Daisy Shah's journey has been quite admirable. तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बॉलीवुड के अंदर कैंपिज्म, नेपोटिज्म, बुलीनेस तो है ही है, बट हाँ हमें समझना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक्चुअली क्या हुआ. वॉज ही सब्जेक्टेड टू एवरीथिंग? दैट इज व्हाई वी हैव बीन आस्किंग फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत. दैट अपार्ट, यस, कतरीना कैफ अपना करियर अगर गिव अप करती तो मजा आता बिकॉज उसने बहुत सारी टैलेंटेड अभिनेत्रियों का काम छीना है बिकॉज ऑब्वियसली शी हैज बीन क्लोज टू सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान. दे ऑल आर क्लोज टू हर एंड सलमान खान हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग एज पर मीडिया न्यूज आउटलेट्स. एंड ये भी कहा जाता है कि शी वॉज रणबीर कपूर्स गर्लफ्रेंड एट वन पॉइंट एंड दे वर ऑब्वियसली रोमिंग हैंड इन हैंड. सो वॉट एवर देयर फ्रेंडशिप वॉज. सो आई प्रिज्यूम कतरीना कैफ इज अ वेरी गुड प्लेयर. तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के अंदर किस तरह का टैलेंट चलता है और किस तरह के अभिनेत्रियों को काम मिलता है. एंड सैडली पीपल हु आर नॉट एबल टू गेट वर्क दे हैव टू गिव इट अप इज इफ दे आर गिविंग इट अप फॉर द राइट रीजंस और इफ दे आर डूइंग इट एज अ पब्लिसिटी स्टंट. ये तो टाइम ही बताएगा क्योंकि बिग बॉस की कंटेस्टेंट ऐसा हेडलाइन के साथ ये न्यूज़ चली थी. बस मुझे इतना ही कहना है एंड मैं किसी के धर्म के बारे में कमेंट नहीं करूंगी. जो धर्म को मैं फॉलो नहीं करती हूँ, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना धर्म है, सबके अपने धर्म के वैल्यूज है. मेरे धर्म में आई डोंट थिंक मुझे कुछ गिव अप करने की जरूरत है. और हाँ, मैंने बॉलीवुड गिव अप नहीं किया है ना बॉलीवुड क्विट किया है. अगर मैं बॉलीवुड की बुराइयों के बारे में बात कर रही हूँ तो ये मेरी चॉइस है, मगर मेरा करियर अभी भी ओपन है. मुझे कल को अच्छी ऑप्शंस मिलेंगी तो मैं बॉलीवुड में भी काम करूंगी. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मेरे लिए कोई दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि मेरे लिए तभी वो दरवाजा बंद होता है जब मैं डिसाइड करूं. कोई और नहीं डिसाइड कर सकता कि मेरे लिए वो दरवाजा बंद हुआ है या नहीं बंद हुआ है. इफ आई डिसाइड टू डू अ प्रोजेक्ट इन बॉलीवुड और इन अ वेब प्लेटफॉर्म, व्हाटएवर, दैट इज माय चॉइस. तो मैंने बॉलीवुड त्यागा नहीं है, इवन दो आई थिंक आई एम एक्सपोजिंग अ लॉट ऑफ वाइसेस प्रेजेंट इन बॉलीवुड. बस इतना ही कहना था. साथ साथ में यस, एंजॉय द डे बिकॉज आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं विच आर गोइंग टू बी मोर इंफॉर्मेटिव एंड मोर बेस्ड ऑन फैक्ट्स. नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय.